हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज फाइंड आउट हमारे ये जो सेट है इसमें कितने ट्राइंगल्स है और उनमें से कितने इक्वल है तो इसमें थ्री ट्राइंगल्स है वन टू एंड फाइव और दोनों में से इक्वल है टू एंड फाइव और वन जो है दोनों से थोड़ा सा बड़ा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू हैव इन योर सेट देर आर थ्री ट्राइंगल्स आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज नो नेक्स्ट इज़ यूज द टू स्मॉल ट्राइंगल्स इन द टन ग्राम सेट टू गैट द फॉलोइंग शेप्स अब यहाँ पर हमें तीन शेप दिए हैं तो इसमें से टू ट्राइंगल्स ले कर हमें ये शेप बनाना है तो जो स्क्वेयर शेप बनाने के लिए प्रॉपर हमें दो इक्वल ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे ट्राइंगल टू एंड ट्राइंगल फाइव दो इक्वल ट्राइंगल्स लेने से ये स्क्वेयर शेप बन जाएगा नेक्स्ट फिगर ये एक बड़ा सा ट्राइंगल है अगर उसे हम बीच से देखते हैं लाइन करके तो दो उसमें से दो ट्राइंगल्स बन जाते जो इक्वल है तो अगेन इसमें भी नंबर टू एंड नंबर फाइव ट्राइंगल लेंगे अब ये जो थर्ड फिगर है इसे भी हम मिडिल लाइन से कट करके देखें देन ऑल्सो देर आर टू इक्वल ट्राइंगल्स सो सेम वी विल टेक अगेन ट्राइंगल नंबर टू and triangle number 5 now next is which two pieces of the tangram set are equal exactly same find out again the answer will be the same triangle number 2 and triangle number 5 are two equal triangles so these two pieces are exactly the same take pieces 4 and 5 from the set and find out on which side of the triangle you can join the other piece तो जैसे कि हमारी ऊपर फिगर है उसमें से हमें फोर और फाइव नंबर के पीस लेने हैं और उसे जॉइन करना है तो फोर नंबर का जो पीस है उसके राइट right साइड है फाइव नंबर ट्राइंगल अब ये फाइव नंबर का ट्राइंगल वी विल प्लेस ऑन द अप साइड सेम फाइव नंबर ट्राइंगल हम लेफ़्ट साइड पे भी जॉइन कर सकते हैं एंड सेम फाइव नंबर नीचे की साइड भी हम ज्वाइन कर सकते हैं फाइन मैचिंग साइड्स अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस, ए पीसेस वन एंड टू तो ये फिगर में हमें पीस वन और टू को मैच करना है तो कौन सी साइड्स मैच होती है तो इसमें टू की ये जो लेंथ है ये साइड की और वन की ये साइड की लेंथ दोनों इक्वल है तो ये मैच करती है सेम वन की जो ये साइड की लेंथ है वो भी टू की लेंथ से मैच करती है नेक्स्ट इज पीसीज टू एंड फोर टू की जो ये लेंथ है ये लाइन और फोर की ये दोनों लाइन फिर टू की ये लाइन और फोर की अगेन ये लाइन तो ये साइड्स बिल्कुल मैच करती है पीसेस वन एंड फाइव पीसेज वन एंड फाइव में जो वन की ये लाइन है और फाइव की ये लाइन ये दोनों की लेंथ सेम है ये लाइन के साथ अगेन ये ही लाइन जाएगी पीसेस टू एंड फाइव तो जैसे कि टू और फाइव दो सिमिलर ट्राइंगल्स है तो जैसे टू और वन की मैच होती थी वैसे ही टू और फाइव की मैच होगी टू एंड फाइव, हो फाइव की तीनों साइड्स इक्वली मैच होगी क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल सेम है

इसमें अलग अलग टाइप के शेप्स हैं और इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है विविंग पैटर्न्स। अंकित एंड सोनू वेंट टू द मार्केट विद आंट दे सॉ मैनी रग्स दरीज अंकित और सोनू उनकी आंट के साथ मार्केट में गए वहां वो दोनों ने बहुत सारी रग्स और दरीज देखी वाओ

बिल्कुल ऊपर है सेमी सर्कल विच डोमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर्स ड्रॉ देम इन योर नोटबुक्स तो जैसे हमने देखा देर आर सो मैनी शेप्स इन डिफरेंट रक्स तो स्क्वेर ट्राइंगल सर्कल सेमी सर्कल और ये लाइन्स और कॉर्नर्स देर आर सिक्स लाइन्स एंड सिक्स कॉर्नर्स इट इज अ हेक्सागोन शेप तो ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं इज एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिक्यूलर पैटर्न विच वंस यस इन ईच पैटर्न द शेप्स आर रिपीटिंग जैसे कि ये एक है रग इसमें फाइव स्क्वेयर्स है वो एक पैटर्न क्रिएट होती है उसके बाद है येलो हेक्सागोन। अगेन द स्क्वायर पैटर्न इज रिपीटिंग अगेन इज अ हेक्सागोन। वैसे ही ऊपर भी एक दरी में सर्कल सेमी सर्कल दे आर रिपीटिंग आर द शेप्स मेड अप ऑफ कर्व्ड लाइंस? यस सेमी सर्कल एंड सर्कल ये दोनों शेप में कर्व लाइन्स हैं स्ट्रेट लाइन्स येस स्क्वेयर एंड ट्राइंगल्स हैव बोथ अ कर्व्ड लाइन एंड अ स्ट्रेट लाइन लुक at योर क्लोथ्स योर मदर्स sarees, शॉल्स रग्स एंड मैट्स कैन यू identify सम पैटर्न्स Draw them इन योर नोटबुक आपके घर पे आपकी मम्मी की कोई भी ड्रेस हो रग्स हो कुछ भी हो तो आप उसे ऑब्जर्व करें उसमें जो पैटर्न्स में कौन से शेप्स है वो देखें और आपके नोटबुक में ड्रॉ करें फ्लोर पैटर्न्व यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज डिजाइंस

तो ये अलग अलग टाइप के टाइल्स है जिनको एक साथ रख के फिट करके एक पैटर्न फॉलो की है तो आप अपने आजू बाजू रास्ते पे ऐसे भी देख सकते हैं जैसे दो टाइल्स हैं अब दोनों के ये जो कर्व लाइन है वो एक जैसे है तो उनको एक साथ ऐसे फिट करके अरेंज कर सकते हैं सिमिलरली उसके राइट साइड भी सेम ये टाइल लग के सिमिलर पैटर्न फॉलो कर सकते हैं नाउ लुक एट दिस टाइल विथ सिक्स साइड्स यहाँ पे जो टाइल है उसकी सिक्स साइड्स है वो इक्वल है उसकी कॉर्नर की डिग्रीज भी इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है तो एक हेक्सागोन पैटर्न है देखिए ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप कैन कवर द फ्लोर कंप्लीटली विदाउट एनी गैप्स ये जो हेक्सागोन शेप का टाइल्स है एक दूसरे के साथ विदाउट गैप फिट करने के बाद ये कुछ ऐसी पैटर्न सी फॉलो होती है अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल्स विद द डिज़ाइंस दैट मेक ऑन द फ्लोर ड्रॉ लाइन्स टू मैच अब यहाँ पे फोर पैटर्न है टाइल्स की और इनके बीच में उनकी पैटर्न्स के वन वन टाइल्स हैं तो हमें ये पैटर्न फॉलो करके मैच करनी है तो जैसे कि हमारे फर्स्ट पैटर्न है तो उसके साथ ये वाली टाइल्स मैच करेगी ये सेकेंड पैटर्न है इसमें बीच में एक ट्राइंगल है तो हमें देखना है कौन सी टाइल्स में ये पैटर्न फॉलो होती है तो यहाँ पे ये फॉलो हो रही है ये थर्ड पैटर्न है इसमें फोर स्मॉल ट्राइंगल्स हैं ये यहां पे मैच होगी और ये लास्ट पैटर्न इस पे मैच होगी यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन टाइल्स एंड यूज देम टू मेक योर ओन टाइलिंग पैटर्न्स यू विल फाइंड सम सच टाइल्स एट द एंड ऑफ द बुक दैट यू कैन कट आउट ट्रेस एंड कलर बुक के बिल्कुल पीछे ऐसे आपको टाइल्स और पैटर्न्स मिलेंगी तो आप अपने आप से उसे कट करके ट्रेस करके कलर कर सकते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न तो जैसे कि यहाँ पे दो पैटर्न्स है तो ये ऊपर की जो पैटर्न है उसमें है ट्राइंगल्स तो हमें इसको फॉलो करनी है ड्रॉ करके कलर करना है तो एक एग्ज़ाम्पल के लिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जैसे आएगा पिंक बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से फॉलो किया है उसके बाद यहां पे आएगा अगेन पिंक और इस बार जो आएगा मरून मजेंटा कलर तो बाकी की पैटर्न आपको खुद से करनी है सिमिलरली जो डाउन पैटर्न है उसमें भी सेम हमें फॉलो करना है इसमें अगेन आएगा मजेंटा कलर सेम ऑन द ऑपोजिट साइड मजेंटा कलर और यहाँ पे आएगा पिंक कलर तो स्टूडेंट्स आपको खुद से अब ये पैटर्न फॉलो करके कलर करनी है कंप्लीट दिस पैटर्न

बिल्कुल ऐसे आपको फॉलो करना है उसके बाद आएगा अगेन हेक्सागोन। ऐसे आपको स्लोली स्लोली पूरी पैटर्न कंप्लीट करनी है नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू तो जैसे हम पेज सेवेंटी पे जो पैटर्न थी इसमें थे ये टाइल्स पर इसमें सिर्फ ये टाइल्स हेक्सागोन शेप से बने हुए हैं डिफरेंट हेक्स हर एक हेक्सागोन को जॉइन करके ये पैटर्न की कुछ ऐसे टाइल की पैटर्निंग की है और इसमें है दो शेप ट्राइंगल एंड हेक्सागोन तो ये इन दोनों में डिफरेंस है खुशबू एंड रहीम लिव इन आगरा वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो एक दिन खुशबू और रहीम जो आगरा में रहते हैं वो ताजमहल देखने गए वहाँ पे उन्होंने फ्लोर की ये पैटर्न देखी आई कैन सी टू डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न आई थिंक ओनली वन टाइप ऑफ टाइल हैज़ बीन यूज वॉट डू यू थिंक डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स क्या खुशबू सच सच कह रही है या रहीम तो आंसर है रहीम क्योंकि इसमें एक ही पैटर्न यूज़ की गई है देखिए ये हॉरिजॉन्टली रखी है सेम टाइल उसके बाजू में बिल्कुल वर्टिकली रखी है तो इसमें ये एक ही टाइल यूज की है तो रहीम वो राइट right है टाइलिंग टाइम द पैटर्न्स बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल ये जो यहाँ एक टाइल है उससे ये पैटर्न्स बनाई गई है इन दिस पैटर्न थ्री कलर्स हैव बीन यूज्ड टू मेक इट लुक लाइक स्टेप्स एंड इन दिस पैटर्न बाय यूजिंग टू कलर्स इट बिकम्स अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्लू एंड येलो फ्लावर्स तो जैसे कि ये फर्स्ट पैटर्न है उसमें थ्री कलर्स यूज किए हैं पैटर्न्स दोनों सेम है पर इसमें कलर्स तीन यूज़ किए हैं जिससे एक स्टेप्स वाली इमेज दिखती है और यहाँ पे सिर्फ दो कलर्स यूज हुए हैं तो इसमें स्टेप्स नहीं दिखते पर कुछ और पैटर्न दिख रही है फ्लावर्स टाइप की यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस टू मेक योर ओन पैटर्नस अब आप अपने खुद से ये होमवर्क में आप कलर कीजिए इसमें थ्री कलर्स और इस बाजू टू कलर्स और अपनी खुद की पैटर्न बनाइए आई हैव सीन अ मिठाई स्वीट ऑफ दिस शेप हैव यू सीन दिस शेप इन एनी अदर डिज़ाइन ऑन अ वॉल अ ड्रेस ऑन अ बास्केट अ मैट एक्सेट्रा तो आपने कहीं कहीं भी ये शेप्स देखे हैं तो आप खुद से कोई भी फाइव शेप ऐसे लिख लीजिए नेक्स्ट इज ट्रेजर हंट फ्रेंकी एंड जू हीज मम्मी हैज हिडन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ दैम बट शी वॉन्ट्स डेम टू फाइंड आउट थ्रू अ ट्रेजर हंट शी हैज़ रिटन सम इंस्ट्रक्शंस हियर कैन यू हेल्प जूही एंड फ्रेंकी इन फाइंडिंग द गिफ्ट तो यहाँ पे फ्रेंकी एंड जूही की मम्मी ने कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स दोनों के लिए रखे हैं पर उनको ढूंढने के लिए एक ट्रेजर हंट है तो उसमें सब इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो क्या हम उनकी हेल्प करेंगे ये फर्स्ट इज स्टार्ट फ्राम द टॉलेस ट्री तो ये ट्रेजर हंट में ट्रीज़ है कितने ट्रीज है वन टू थ्री फोर फाइव ये सब में से टॉलेस्ट कौन सा है तो ये है तो हमें ये टॉलेस्ट ट्री से स्टार्ट करना है गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे फ्रॉम द सिक्स टाइल टर्न लेफ्ट अब हमें ये पाथवे को फॉलो करना है टॉलेस्ट ट्री से और यहाँ पे जो सिक्स टाइल है वहां से हमें लेफ्ट घूमना है तो हम काउंट करके जाएंगे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स यहां से हमें लेफ्ट टर्न लेना है आफ्टर मूविंग अ फ्यू स्टेप्स अगेन You will find a plant on your right hand side. Left turn लेने के बाद हमें थोड़ा आगे जाना है और राइट साइड पे एक प्लांट है उसे देखना है तो ये हम आगे गए और ये रहा बिल्कुल राइट साइड पे एक छोटा सा प्लांट कला द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू दिस प्लांट अब यहाँ पे प्लांट के सबसे नज़दीक जो चाइल्ड है उसका फ्रॉक आपको खुद कलर करना है कोई भी कलर आप कर सकते हैं स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट ऑन द फोर्थ टाइल टर्न लेफ्ट अगेन अब हमें आगे चलना है और फोर्थ टाइल पे अगेन लेफ्ट हमें टर्न करना है तो वन टू थ्री फोर यहाँ से लेफ्ट टर्न ऑन द वे यू विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ द फोर्थ टाइल इज ब्रोकन यहाँ पे एक फोर्थ टाइल जिसका एक कॉर्नर ब्रोकन है वो मे ढूंढना है तो वन टू थ्री फोर ये जो टाइल है उसका एक कॉर्नर ब्रोकन है You will find a bat and a ball lying on the ground. Don't pick them up. Just circle them. वहां पे हमें एक बैट बॉल देखेंगे पर उनको लेना नहीं है उनको सिर्फ हमें सर्कल करना है Move ahead and turn right. अब आगे जाके हमें राइट right टर्न लेना है यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री अ फ्यू मैंगोज कैन बी सीन ऑन द ट्री कलर इलेवन मैंगोज ऑन द ट्री अब जैसे ही आगे पाथवे पे जाएंगे तो हमें आगे जाके एक मैंगो ट्री मिलेगा जिस पर मैंगोज है बहुत सारी उसमें से कोई भी इलेवन मैंगोज को आपको कलर करना है एनी इलेवन मैंगोज यू हैव टू कलर Also draw some grass near the mango tree and start moving again on the pathway. अब मैंगो ट्री के आसपास हमें खुद से ग्रास ड्रॉ करना है और फिर आगे पाथवे से बढ़ते जाना है. When you go straight you will find a house. Behind that house there is a bag. Open it and you will find something sweet in it. Can you tell what their mother has kept in the bag? अब आप जैसे ही स्ट्रेट जाएंगे तो आपको हाउस मिल जाएगा और हाउस के पीछे उनकी मदर ने एक छोटी सी बैग रखी है उसमें उनके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट है और आपको उसमें देखना है कि क्या है वो आप खुद से लिख लेना थैंक यू स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर